अमेठी में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया है। टीचर दंपत्ति के साथ दो बच्चों की हत्या का खुलासा करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। रिपोर्ट देखिए। अमेठी में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बदमाशों ने एक ही परिवार के चार लोगों को बहरहमे के साथ मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, बदमाशों को दो मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आया और गोली मारकर बदमाशों ने उनकी भी हत्या कर दी। पूरी घटना शिवरतन गंज थाना इलाके की है, जहां अहोरवा भवानी चौराहे के पास एक किराए के मकान में सुनील कुमार भारतीय अपनी पत्नी पूनम और दो बच्चों के साथ रहते थे। वो एक स्कूल टीचर थे और ये परिवार रायबरेली का रहने वाले था। अमेठी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। कानून का ना तो भय है ना सजा की चिंता। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि इस समय हम जहां मौजूद हैं, यहीं पर एक अध्यापक जो सुनील है वो रहता था किराए के मकान में और यहीं से अध्यापन का कार्य करता था। सरकारी अध्यापक था और इसको शाम को लगभग ये पब्लिक प्लेस है, चौराहा है, तमाम सारे लोग थे, आकर उसको पूरे परिवार सहित दो मासूम बच्चे समेत चार लोगों की हत्या कर दी गई और जो बदमाश थे वो घटनास्थल से घटना को अंजाम देकर भाग गए। और हालांकि इस मौके पर जो आईजी हैं और एडीजी हैं, साथ ही साथ डीएम और एसपी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान लेने के बाद यहां पहुंचे। हालांकि इस पूरी जो जगह है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं, कई थानों की फोर्स यहां पर मौजूद है। और जो ये मृतक है यह रायबरेली जनपद का रहने वाला है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे ये जो घर है यही वो घर है, इसी में किराए के मकान पर रहा करता था और कई दुकानें बाहर से हैं, हालांकि अभी ये बंद है। यहाँ पर जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं, एसपी हैं, साथ ही साथ एडीजी और आईजी यहीं पर अंदर थे और घटनास्थल का निरीक्षण कर निकले हैं। एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या से इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर कोई इस घटना से सन्न है। फिलहाल सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। आला अधिकारी फोरेंसिक टीम के साथ खुद घटना की तफ्तीश में जुट गए हैं। सब मोबाइल नंबर सब पूछे लाग, ना पूछे लाग, तो हमारे दिल में आत्मा में ये लगा कि हमारे लड़का का दुर्घटना हो गया। जब उसे बताया गया नहीं गया, जब उसने नेट पे जो है सब आदमी हमारे घर पे आ गए, तब हमको जानकारी मिली साहब, और हमको जानकारी नहीं मिली थी कि मतलब हमारी बहुरिया को, हमारे नातिन को, दोनों को, हमारे लड़के को गोली मार दिया। घटनास्थल का निरीक्षण और इस तरह से किया गया है। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। इसमें जो हम लोगों को महत्वपूर्ण क्लूज मिले, अभी हमें उजागर करना उचित नहीं होगा। बस मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं और इस बेसिस पे बहुत जल्दी घटना का हम लोग खुलासा करेंगे और बहुत जल्दी इसमें कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दो मासूम बच्चों के साथ एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या की वारदात वाकई में हैरान करने वाली है। ऐसे में देखना है कि अब पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेगी। एक साथ चार चार लोगों की हत्या, जिसमें दो मासूम बच्चे, वो जो है जो मासूम बच्चे हैं वो किसी का क्या बिगाड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है सीएम योगी ने इस मामले का संज्ञान लिया और अधिकारी अपने जो खाकी है वो कई टीमें यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने गठित कर दी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि खाकी इस पर किस तरीके से एक्शन लेती है। दिलीप यादव, न्यूज स्टेट, अमेठी। दिलीप यादव इस वक्त जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर को लेकर। दिलीप, देखिए अमेठी में इन मर्डर के बाद में हड़कंप मच गया है। सबसे बड़ी बात कि कानून के एक वालिया निशान पर सवाल खड़ा होता है। अब अभी तक फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि बदमाश कितने थे, कौन थे, और जैसे कि बताया जा रहा है कि चहल पहल वाला इलाका है, उसी बीच में बदमाश आते हैं, पूरे परिवार की हत्या करके चले जाते हैं और किसी को खबर तक नहीं होती, क्या कुछ सामने आ रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया और शाम को लगभग 7:30 बजे का वो वक्त था जिस समय असलाहधारी बदमाश आए और दो मासूम समेत चार
लोगों की निर्मम हत्या कर दी, जिसमें दलित समेत चार लोगों की निर्मम हत्या कर दी, जिसमें दलित शिक्षक सुनील था। हालांकि सुनील और उसके जो है दो बच्चे, उसकी पत्नी का शव पीएम के लिए ले आया गया। पीएम के बाद आज जो है उसका शव उसके पैतृक गांव भेजा गया है। हालांकि ये पूरे मामले की बात की जाए तो खाकी अब भी खाक छान रही है, अभी भी किसी भी तरीके के नतीजे पर नहीं पहुंची है। केवल साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करने की बात कर रही है, टीमें गठित कर दी गई है। उसी आधार से ये बताया जा रहा है कि हाँ, हमारी टीमें लगी हुई हैं, जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा, जिस तरीके से आईजी प्रवीण कुमार ने बताया था। हालांकि आपको हम एक्सक्लूसिव जानकारी बता दें कि 7 गोलियां जो हैं डॉक्टरों ने आज जो उसका पोस्टमार्टम हुआ, वो 7 गोलियां डॉक्टरों ने निकाली, जिसमें 3 गोली मृतक जो दलित सुनील था अध्यापक उसके लगी हुई थी, 2 गोलियां उसकी पत्नी को लगी हुई थी, और को मारी गई थी कहीं ना कहीं। ये घटना में अगर बात की जाए तो एक व्यक्ति नहीं है, कम से कम 2 जो है असलहे का यूज किया गया है, कम से कम 8 राउंड फायरिंग की गई है। वहाँ पर एक जिंदा कारतूस भी मिली है और एक जो है वहाँ पर खोखा भी खाली बरामद हुआ है। तो कहीं ना कहीं 2 से अधिक लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं। जिस तरीके से पूरी तरीके से पब्लिक प्लेस था, सैकड़ों लोग, उसी के बगल दुर्गा पंडाल लगाया गया था, वहाँ पर लोग इकट्ठा थे। हालांकि उस समय आरती का वक्त था, आरती बज रही थी, और ये बताया जा रहा था कि आरती की जो ध्वनि है, जो माइक लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, उसी का फ़ायदा उठाकर जो है इन बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो ओवरऑल अभी बात किया जाए तो अमेठी पुलिस के हाथ हुई थी जो है कोई जानकारी। मेरी आवाज मिल रही है दिलीप आपको? कितने बदमाश थे और कौन से वाहन पे आए थे? कार पे थे, बाइक पे थे, क्या वाहन था, किसी ने देखा जश्नदीद? क्या जांच में सामने आया? कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि सीसीटीवी उस क्षेत्र में नहीं लगा हुआ है। हमने जाकर काफी जो है संभालने की भी कोशिश की कि सुराग लग जाए। ये जो है अभी वहाँ के जो लोग हैं सब दहशत में है, कोई कुछ बोलने के तैयार नहीं, क्योंकि घर के अंदर का मामला था। कोई भी कोई घर के अंदर घुसा, दो भी बदमाश हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं।